देहरादून नगर निगम की ओर से डेंगू को लेकर चलाए गए अभियान का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। दरअसल पहली बार जुलाई माह में जनपद में एक भी डेंगू का केस सामने नहीं आया। वही प्रभावी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना का कहना है कि निगम की रणनीति का सकारात्मक असर दिखा है। जुलाई महीने में 0 डेंगू के मामले मिले हैं, वही आने वाले दिनों में डेंगू के मामले सामने न आए इसलिए निगम की ओर से अगले सप्ताह डेंगू के खिलाफ महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत पूरे शहर भर में दवा का छिड़काव कर डेंगू के लार्वा का नष्ट किया जाएगा। वही डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि निगम की ओर से ऐसे प्लॉट का चिन्हीकरण करने के बाद भूस्वामी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी तक जो हमारी डेंगू के प्रति जो हमारी रणनीति थी कि किसी भी प्रकार से जो है उनको हमारे शहरवासियों को उसके दंश से बचाया जाना है, तो अभी तक हमारी पूरी रणनीति कामयाब रही है और जुलाई का महीना हमारा जो है 0 डेंगू केसेस पे रहा है। अभी अगस्त का भी पहला सप्ताह खत्म हो गया है, उसमें भी हमारी केसेस मिली हैं, तो हमारी रणनीति फिलहाल अभी तक जो है कामयाब रही है। लेकिन इसको कहीं हल्का ना होने दें, उसके लिए जो है अब हम लोग जो हैं अगले सप्ताह से हम लोग जो हैं इसको महाअभियान के रूप में लेके जाएंगे, जिसमें टैंकर ट्रॉलियों के माध्यम से पूरे शहर में एक ही दिन एक ही समय पर जो है लार्वीसाइडल का छिड़काव करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में संभवतः बरसात थोड़ी कम हो और धूप ज़्यादा निकले तो ऐसे में जो है लार्वा जो है पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको रोकने हेतु जो है महाअभियान के रूप में हम लोग शहरवासियों को जो है इससे जो है डेंगू से मुक्ति दिलवाएंगे।